जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और करंट अफेयर्स की मंथली सीरीज में आज की इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्च मंथ 2023 के बारे में और इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो आगे आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल फिगर करेंगे उनके बारे में। खास करके मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जो भी मित्र उत्तर प्रदेश से लगने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक वीडियो हो गया, फिर RO AR O की भर्ती जो आने वाली है, या फिर गन्ना पर्यवेक्षक, ऐसी सभी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उन सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो आप क्लास को काफ़ी सीरियसली लें और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने टाइम से अपरिहार्य कारणों से लेट हो रही है, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज जरूर कीजिएगा। मैं ऑलरेडी इससे सॉरी आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पुटअप किए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज में ऑलरेडी विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक तरह से फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। तो आप क्लास में कंसंट्रेशन के साथ बनाए रखें, थोड़ी सी स्पीड हम लोगों की फास्ट रहेगी और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग वीकली सीरीज में हर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं वो इसमें थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज रहेगा, कम डिस्कस करेंगे हम लोग, फटाफट से मतलब भागते हुए चलेंगे क्योंकि क्लास लंबी ना होने पाए और पूरे मंथ का डिस्कशन करना है, तो इसलिए ये जरूरी भी है। ठीक है, तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में बेस्ट मेंस फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, लियोनल मेसी। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और अर्जेंटीना की टीम के ये कैप्टन भी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में अर्जेंटीना इस बार चैंपियन भी बनी थी। कतर 2022 में आयोजित किया गया था मेन्स फुटबॉल कप। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के रूप में एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया था। वहीं गोलकीपर जो सर्वश्रेष्ठ बने थे वो एमिलियानो मार्टिनेज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कमल आकार का ये एयरपोर्ट है और इसी का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। 450 यात्री प्रति घंटे मतलब संभालने की इसकी क्षमता होगी और 450 करोड़ रुपये की लागत से ये निर्माण किया गया और 300 यात्री प्रति घंटे ये एयरपोर्ट संभाल सकेगा। ठीक है, दो एयरपोर्ट जल्दी से और रिलेट कर लेते हैं। गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा और अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन भी इसी टाइम के आसपास पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती पहली बार मनाई है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इस इवेंट के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को सम्मिलित किया गया था। और जो संत सेवालाल जी हैं ये बंजारा समुदाय के बहुत ही आध्यात्मिक नेता थे। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 फरवरी 1739 को हुआ था। अमृतसर महोत्सव के तहत ये आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, इसमें खास तौर से अमित शाह जी मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये याद रखिएगा कि ये जो संत सेवालाल जी की है इनकी जयंती कौन सी थी, तो 284वीं। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत पहली बार W20 यानी महिला 20 की जो बैठक थी वो आयोजित कहाँ की गई थी? याद रखिएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व के तौर पर सम्मिलित हुई थी स्मृति ईरानी, ये वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा उद्घाटन भी किया गया था। बात कर लेते हैं G20 की, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। सदस्य देश इसमें 19 हैं और इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। इस तरह यूरोपीय यूनियन मिलाते हुए कुल 19 देशों सहित कुल 20 सदस्य इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मालूम है आपको कि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, तो इसी के तहत जो पहली शेरपाओं की बैठक थी वो उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी और भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर इसमें अमिताभ कांत ने मतलब प्रतिनिधित्व किया था। ये जो औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र का शहर है, इसका नाम बदलकर जल्द ही छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, तो ये भी बात मैंने बताई थी। इसके साथ ही एक उस्मानाबाद भी नगर है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है, उसका नाम धाराशिव नगर कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में ASI द्वारा किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की गई है? याद रखिएगा, उड़ीसा में एक जिला है जाजपुर, यहीं पर ये स्तूप पाया गया है। इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर मानी जा रही है और ये 7वीं या 8वीं शताब्दी के होने के समय का बताया जा रहा है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
फिक्की नए महासचिव हाल ही में कौन बने हैं? तो याद रखिए नाम शैलेश पाठक। और फिक्की की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष जल्दी सूर्यकांत पांडा बनाए गए थे। ठीक है, इसके साथ ही एक नियुक्ति और याद रखिएगा, 1919 में स्थापना हुई थी PIB की। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय। और इसी के जो जो महानिदेशक बने थे वो राजेश मल्होत्रा बनाए गए थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पहली महिला साइंस चीफ कौन बनी है? तो याद रखिएगा निकोल फॉक्स इसका नाम है। लंबे समय तक ये सोलर प्रोब पार्कर सोलर प्रोब जो अमेरिका का एक सूर्य के लिए मिशन था उसमें ये साइंटिस्ट के तौर पर, सोलर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन अब इन्हीं को इस नासा की पहली महिला साइंटिस्ट साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, स्थापना नासा की 1958 में हुई थी और मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। बिल नेल्सन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, आठवां रायसीना डायलॉग में किस देश की प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? तो याद रखिएगा इटली की पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी, और इन्हीं को इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और इन्होंने सम्मिलित भी मतलब शिरकत भी की थी। इसका आयोजन 2 से 4 मार्च के बीच दिल्ली में किया गया था। रायसीना जो डायलॉग है इसका 8वां संस्करण इसलिए आयोजित किया गया था क्योंकि भारत से इटली के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो चुके थे। थीम इसकी याद रख सकते हैं, प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टेबुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा इटली यूरोप का देश है जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि ये भी भारत की तरह ही एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला मदर मिल्क बैंक की स्थापना की है? याद रखिएगा उत्तराखंड के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। भारत में मदर मिल्क बैंक बहुत सारे राज्यों ने स्थापित किया है लेकिन उत्तराखंड में अपने स्तर का ये पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है कि जो प्रसव के दौरान ही माताओं की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो नवजात होते हैं उन नवजात शिशुओं की सुरक्षा एवं रक्षा के लिए यह मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? याद रखिएगा बेंगलुरु, ये कर्नाटक की राजधानी है और यहीं पर यह बैठक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय ढाका में स्थित है। सदस्य देशों की बात करें तो 7 सदस्य देश हैं। कैसे? तो थाईलैंड और म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया से आ जाते हैं, बांग्लादेश भारत और भूटान, ठीक है, बांग्लादेश भारत और भूटान, नेपाल और श्रीलंका, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो याद रखिएगा रश्मि शुक्ला इनको बनाया गया था। 1963 में SSB की स्थापना हुई थी, दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है नेपाल व भूटान की सीमा पर। इसको मुख्य रूप से नेपाल व भूटान की सीमा को तिब्बत सीमा भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम सॉरी तिब्बत सीमा पर इसको स्थापित किया गया था। हालांकि एक ITBP भी है इस सीमा की रक्षा करने के लिए, तो भारत नेपाल भूटान सीमा पर इसको तैनात किया गया, याद रखिएगा। हाल ही में बाजरा मिशन 2023 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो याद रखिए भोजपुर बिहार में। ठीक है, जो बाजरा है ना यानी मोटे अनाज या मिलेट्स हैं इसके प्रसंस्करण के लिए इस बार के बजट में भी चर्चा की गई थी, तो याद रखिएगा जो बाजरा मिशन है ये भोजपुर बिहार से शुरू किया गया है लेकिन बाजरा महोत्सव की शुरुआत छत्तीसगढ़ और असम दोनों सरकारों द्वारा बारी बारी से किया जा चुका है अपने अपने स्तर पर। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ पर याद रखें, UN द्वारा भारत की पहल पर ही वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अनाजों का मतलब अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? याद रखिएगा श्रीनगर कन्याकुमारी में, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है इनके बीच में इसका आयोजन किया जाएगा और 3651 किलोमीटर लंबी ये रेस है जिसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और NH44 का अनुसरण करते हुए देश के लगभग 12 प्रमुख राज्यों से ये दौड़ होकर के गुजरेगी, तो इन चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मार्च। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट मेंशन किया है, इसकी थीम बहुत ज़्यादा जरूरी है, थीम है 2023 की वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो याद रखिएगा क्रेग फुल्टन को नया कोच बनाया गया है। बात करें हॉकी इंडिया की तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, अध्यक्ष जल्दी इसके दिलीप तरकी बने थे। इंटरनेशनल लेवल पर यदि बात करें जो हॉकी की रेगुलेटिंग एजेंसी है तो FIH की बात कर लीजिए। FIH की स्थापना 1924 में हुई थी, मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित है।
मुख्यालय देखिए कन्फ्यूजन हो गया ना, एफआईएच का मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिख जर्मनी में। मुख्यालय के बारे में आप थोड़ा जरूर देख लीजिएगा, माइंड से स्किप हो रहा है, ठीक है। और इसके भी जल्दी अध्यक्ष बने मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। और जल्द ही एफआईएच के द्वारा जो मेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था भारत की मेजबानी में, इसमें जो चर्चित सॉरी चैंपियन टीम जो रही थी वो जर्मनी की टीम रही थी, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, पहली बार आयोजित हो रहे महिला आईपीएल 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेंगी? याद रखिएगा ये इवेंट समाप्त हो चुका है, कुल 5 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर और यूपी वॉरियर्स, ये कुल 5 टीमें भाग ले रही हैं। कुल 22 मैच आयोजित किए गए थे, 4 मार्च को शुरुआत हुई थी, 26 मार्च को अंतिम मैच खेला गया था। शक्ति इसका शुभंकर था, ये पहला ही संस्करण था, टाटा ग्रुप्स के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें चैंपियन टीम रही थी मुंबई इंडियंस। 7 विकेट से दिल्ली कैपिटल को हराते हुए इसने जो है खिताब जीता था, ठीक है। 9 पारियों में 345 रन बनाने के लिए जो ऑरेंज कैप था वो दिया गया था मैग लेनिन को, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और जो पर्पल कप था वो 18 विकेट लेने के लिए हैली मैथ्यूज को दिया गया था, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। इन चीज़ को याद रखिए, बेसिक फैक्ट्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट, मानसून के जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत किसने की है? याद रखिएगा राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी के द्वारा ये किया गया है। थीम याद रखिएगा श्योर सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इन्हें द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत जल सप्ताह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा से की गई थी, वो भी जल से ही संबंधित था, ठीक है। हाल ही में जारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा भारत को इस बार इसमें 108वां स्थान मिला है, 2022 में इसका 100वां स्थान था। शीर्ष देशों की बात करें तो डेनमार्क, सिंगापुर और नॉर्वे इसमें शीर्ष देश हैं। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 10 वर्षों में भारत को टॉप 10 निरंकुश देशों में से एक माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड विधानसभा में निर्वाचित पहली महिला विधायक कौन बनी है? याद रखिएगा दीमापुर थर्ड यहाँ की एक विधानसभा है और यहीं से पहली बार हेकानी जेखालू को ये विधायक के रूप में चुना गया है, ये पहली महिला विधायक बनी है, ठीक है। यहाँ की पहली महिला सांसद बनी थी फांग कुन्यांग, ठीक है, ये नागालैंड से ही चुन के आती हैं। नागालैंड जो विधानसभा है वो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ईरानी कप जो क्रिकेट से संबंधित है का खिताब मध्य प्रदेश को हरा कर किसने जीत लिया है? तो याद रखिएगा शेष भारत ने, ठीक है। ये 59वां संस्करण था और फाइनल कप कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजित किया गया था, ठीक है। ये शेष भारत को बारे में आप ये याद रखें, 36वां जो नेशनल गेम्स गुजरात में आयोजित किए गए थे उसमें भी शेष भारत ने ही कुल शीर्ष पदक में मतलब पदक तालिका में शीर्ष पर था कुल 128 पदकों के साथ। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था और तीसरा स्थान हरियाणा का, ठीक है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है? तो याद रखिएगा मऊगंज, ठीक है। मध्य प्रदेश की 4 तहसीलें, रीवा जिले की जो 4 तहसीलें हैं इन्हीं को मिला करके ये मऊगंज जो नया नाम दिया गया है ये यहाँ से संबंधित है। कौन कौन सी 4 तहसीलें? तो मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमाना और देवतालाब, ये 4 तहसीलें मिला करके बनाई गई हैं। खास बात इसमें यह है कि जब मऊगंज नया जिला बन गया है तो विंध्य क्षेत्र में अब 8 जिले सम्मिलित हो चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगाला उत्सव का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा केरल तिरुवनंतपुरम में। पोंगाला एक तरह का बर्तन है जो महिलाओं द्वारा इस भगवती मंदिर में अपने आराध्य को चढ़ाया जाता है और याद रखिएगा इस मंदिर में केवल महिलाओं को ही प्रवेश की अनुमति है, ठीक है। 2009 में 25 लाख महिला श्रद्धालुओं के इकट्ठा हो जाने की वजह से सबसे ज़्यादा महिला श्रद्धालुओं का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। इसी केरल में एक पुरुषों के लिए समर्पित यानी केवल पुरुषों के प्रवेश से संबंधित एक मंदिर है, भगवान अयप्पन के लिए जाना जाता है, शबरीमाला मंदिर, ठीक है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इसमें अब सभी लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए CGA कौन बने हैं? तो याद रखिएगा SS दुबे को नियुक्त किया गया है, ये 28वें क्रम के होंगे, भारती दास की जगह लेंगे। और याद रखिएगा वर्तमान में CGA तो ये बने SS दुबे, लेकिन कैग यानी CAG वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू यानी GC मुर्मू है, ठीक है। जो CGA होता है वो कैग के भीतर यानी उनकी हेल्प के लिए काम करने वाला एक पोस्ट होता है, ठीक है। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा मणिपुर से आती हैं वेट लिफ्टर मीरा मीरा बाई चानू, ठीक है।
इन्हीं के साथ ही दो पुरस्कार और दिए गए थे। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भाविना पटेल को दिया गया था, वहीं बीबीसी बेस्ट इंडियन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नीतू घंगस को चुना गया था। ये बॉक्सर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में फ्रंटलाइन यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिएगा शालिजा धामी, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ, बीआरओ में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो वैशाली हिवा से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बीआरओ के बारे में बात कर लेते हैं। 1960 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, ठीक है। प्रसिद्ध बहुदेशीय वायुसैनिक अभ्यास कोबरा वॉरियर का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में किया गया था। भारत सहित फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की फौज इसमें भाग ली थी, ठीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच में दो और युद्धाभ्यास हैं, कोंकण शक्ति और अजय वॉरियर, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा, ठीक है। त्रिपुरा चुनाव के बाद हाल ही में दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको ही दोबारा फिर से चुना गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा बीजेपी इसमें इस चुनाव में कुल 60 सीटों में से 32 सीटें जीत करके बहुमत सिद्ध कर दी थी और इसीलिए इसी बीजेपी की पार्टी से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। देखिए पूरा फिनोमेना कुछ इस तरह है कि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव जीत किए गए थे, एक तो त्रिपुरा, दूसरा नागालैंड और तीसरा मेघालय में, और तीनों में भाजपा शासित ही सरकारें बनी हैं और तीनों में फिर से उन्हीं चेहरों को पुनः फिर से चुना गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा तो मेघालय में कोनराड संगमा को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है और नागालैंड में नेफ्यू रियो को, ठीक है ना। तो इन चीज़ को याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रीटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सर डेविड चिपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया है। ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार और प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस बार के विजेता कौन है? तो सर डेविड चिपरफील्ड। हाल ही में आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में पड़ता है, एक सिंह वाले गैंडों के लिए जाना जाता है और इसी में आयुष मंत्रालय द्वारा इस चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया है। वर्तमान में आयुष मंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है। एक धरती एक परिवार एक भविष्य का सपना साकार करने के लिए ही इसका उद्घाटन किया गया है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी चर्चे में था, इसी काजीरंगा से अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गज महोत्सव का उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये भारत का पहला सैटेलाइट फोन कनेक्टेड नेशनल पार्क भी है, तो याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 के 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा गोवा में। इसका उद्घाटन पीएस श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा किया गया था, जो गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं। आयोजन 5 से लेकर और 9 मार्च के बीच में किया गया था और भारतीय प्रतिनिधि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा ये पार्टिसिपेशन में भाग लिया गया था। राष्ट्रमंडल के कुल 52 देशों के 5 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लीगल माइग्रेशन बिल पारित किया गया है? तो ब्रिटेन में, ठीक है ना। नाव के द्वारा जो इंग्लिश चैनल है, चूंकि आप जानते हैं कि 34 किलोमीटर ही इस चैनल की दूरी है यानी लंबाई है, और नाव के द्वारा इसमें इस चैनल को पार करके अवैध प्रवासन यानी अपने प्रवास के दावा करने वाले लोगों के विरुद्ध ये लीगल माइग्रेशन बिल ये ब्रिटेन की सरकार द्वारा लाया गया है। आप याद रखिएगा कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के ही हैं और उनका नाम है ऋषि सुनक, ठीक है। और जल्द ही यहाँ पर उप प्रधानमंत्री के रूप में ओलिवर डाउडेन को चुना गया है, तो नाम याद रखिएगा। किंग चार्ल्स यहाँ के नए सम्राट जल्द ही घोषित किए गए थे ब्रिटेन के। एक और बिल यहाँ पर याद रखिएगा, राइट टू रिपेयर बिल, ये ब्रिटेन की सरकार द्वारा ही लाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेगर फ्री सिटी नामक पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? याद रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। भिखारियों को आश्रय गृह में पहुँचाया जाएगा और सड़कों पर या लवारिस की तरह घूमने से रोका जाएगा और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बेहतरीन तरीके से एम्बुलेंस और बस की सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि 2023 के लास्ट तक पूरे राज्य को जो है झुग्गी मुक्त बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखें। किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? तो याद रखिएगा एंथनी अल्बनीजी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं की ये पहली यात्रा है, इसलिए खास है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर संबंधित वार्ता करने के लिए ये भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सर्वाधिक महिला अरबपतियों की सूची में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका शीर्ष रहा है। शीर्ष देशों की बात करें तो अमेरिका कुल 92 महिला अरबपतियों की सूची में, मतलब अब 92 महिला अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर, 46 के साथ ही चीन दूसरे स्थान पर,
कुल 9 महिला अरबपतियों की सूची में इस मामले में पांचवें स्थान पर था। अच्छा, ओवरऑल ये तो महिलाओं की स्पेशल बात हो गई, ओवरऑल यदि अरबपतियों की बात करें तो इस मामले में भी अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन भारत का उस मामले में स्थान तीसरा है। केवल महिलाओं को देखें तो पाँचवा स्थान, ओवरऑल देखें तो तीसरा स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा हुई है, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के चार धाम में ये बनाया जाएगा। ठीक है ना, इसकी जिसकी लंबाई होगी 900 किलोमीटर और राज्य के 13 जिलों से होकर के ये गुजरेगा और प्रति 30 किलोमीटर पर इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग के पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, देश में जो चार धाम है उसको कौन सा जाना जाता है? तो दो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है ना, इसके हिसाब से जाना जाता है। तो उत्तर में आपका जाना जाता है गंगोत्री को, पश्चिम में जाना जाता है द्वारिका को, दक्षिण में जाना जाता है आपका रामेश्वरम तमिलनाडु, और पूर्व में जाना जाता है पुरी जो तमिलनाडु सॉरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो इनको चार धाम के नाम से जाना जाता है, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है ना, ये शायद हमने वहाँ पर यमुनोत्री बता दिया क्या? उत्तर में बद्रीनाथ है, ठीक है ना। उत्तराखंड में चार छोटे धाम के नाम से जाना जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, तो इन्हीं चार धामों में पर्यटन को विस्तार देने के लिए मुख्य रूप से इस कॉरिडोर की शुरुआत की जा रही है। नाम क्या है? इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर। ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में आप जानते ही हैं, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, तो इन कॉरिडोर्स को भी याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट देखने के लिए मिला था? नाम याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। ठीक है, और 1548 के बाद यहाँ पर यह नियमित विस्फोट देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसको इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाने लगा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी वायुसेना ने नासा इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को भारत को सौंपने की घोषणा की है, इस मिशन का नाम क्या है? तो निसार, याद रखिएगा, ये भारत की जो सरकारी स्पेस एजेंसी है इसरो और जो नासा अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। 2024 में इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा और पृथ्वी की बाहरी परतों पर इसको स्थापित किया जाएगा। बर्फ की चादर और पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य रूप से जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया था हुबली कर्नाटक में, और इसकी लंबाई थी 1507 मीटर। प्लेटफॉर्म नंबर 8 को विस्तार दे करके ये मतलब ये प्लेटफॉर्म निर्मित किया गया है। नाम इसका भी बदल दिया गया है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली कर्नाटक में। ठीक है, हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली एशियन महिला लोको पायलट कौन बनी है? नाम याद रखिएगा, सुरेखा यादव, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल मुंबई से सोलापुर के बीच में इन्होंने ट्रेन चलाई थी 450 किलोमीटर दूरी तक, और इन्हीं के इसी के साथ ये एशिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की महिला एशियन लोको पायलट बन गई हैं। तो नाम याद रखिएगा, सुरेखा यादव। अगला, हाल ही में किस राज्य में नई खेल नीति 2023 को प्रस्तुत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। याद रखिएगा, शारीरिक फिटनेस और प्रशिक्षण जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा नई खेल नीति की शुरुआत की गई है 2023 में। ठीक है, याद रखें, मिथेनॉल संचालित बसों का पहली बार पायलट परीक्षण कहाँ शुरू किया जाएगा? तो याद रखें, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एमडीआईसी मिथेनॉल के साथ जो डीजल मिलाने का जो लक्ष्य है 15%, इसी को साकार किया जाएगा। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमको कुछ अभी मालूम नहीं है, उसका एक्सपीरियंस लेना बाकी है, यानी पहले किया जाए, इसका देखा जाए, फिर इसको बड़े स्तर पर शुरू किया जाए, यही दैट इज पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के 50 शीर्ष शहरों में कितने भारतीय शहरों को सम्मिलित किया गया है? नाम याद रखिएगा, 39 शहरों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदूषित देश कौन से हैं? तो चाड, इराक। इस मामले में भारत का स्थान 8वां है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में कुल 39 शहर भारत के ही सम्मिलित हैं। ठीक है, अधिकतर देशों की बात करें तो अधिकतर देश चाइना और अमेरिका के सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, चाइना, अमेरिका और भारत के बहुत सारे जिलों को या शहरों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, द्विवार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोज के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, हिंद महासागर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका की नेवी इसमें भाग लेगी। उद्देश्य क्या है? कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग और समन्वय, खासतौर से चीन के विरुद्ध ये गोलबंदियां हो रही हैं, तो याद रखें।
हाल ही में किस देश, अच्छा यहाँ पर एक बात और आप रिलेट कर लें क्योंकि युद्धाभ्यास की बात हो रही है, 2007 में क्वाड की स्थापना की गई थी, भारत ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान इसके सदस्य देश हैं, और इन्हीं के बीच में एक मालाबार युद्धाभ्यास होता है, ठीक है, और इसके 27वें संस्करण का मेजबान पहली बार ऑस्ट्रेलिया बना था, इस चीज़ को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बैंक सिलिकन वैली बैंक के डूबने की खबर चर्चा में थी, याद रखिएगा अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये बैंक स्थित था, और 2008 के बाद ये अमेरिका की सबसे बड़ी बैंकिंग विफलता के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, और इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी, कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, और ये जो अमेरिका है उसका 16वां बड़ा बैंक माना जा रहा है। याद रखिएगा कैलिफोर्निया में ये सिलिकन वैली बैंक डूब गया, और सिग्नेचर बैंक इसके साथ ही न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, इसके भी डूबने की खबरें चर्चे में इसके साथ ही थी, तो इन दोनों बैंकों को याद रखिएगा। एशियो की पर्यटन मंत्रियों की पहली बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है, तो याद रखिए जो एशियो है इसकी जो मंत्रियों की पहली बैठक है वो वाराणसी में आयोजित की गई थी, यहाँ पर लिखने में भूल गया हूँ, वाराणसी में आयोजित की गई थी, और वित्त मंत्रियों की पहली बैठक ये गोवा में आयोजित की जा रही है। आपको मालूम है कि एससीओ की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। बात कर लेते हैं एससीओ की, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 2001 में हुई थी, बीजिंग चीन में मुख्यालय स्थित है, और इसके महासचिव झांग मिंग हैं, ठीक है। आईसीसी द्वारा फरवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है, याद रखिएगा इंग्लैंड के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैरी ब्रुक, और महिला के रूप में देखें तो एश्ले गार्डनर, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और इन्हीं दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। जनवरी महीले की बात करें तो मेल कैटेगरी में शुभमन गिल भारत के इनको दिया गया था, और ग्रेस स्क्रीवेंस ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी थी, इनको दिया गया था, ठीक है। जब आईसीसी द्वारा इस प्लेयर मंथ की शुरुआत पहली बार की गई थी तो इस पुरस्कार के पहले विजेता ऋषभ पंत हैं, जो भारत के एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बने, तो उत्तराखंड बन गया है, ठीक है ना, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीमती मुर्मू ने भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा INS द्रोणाचार्य को, ठीक है, यह सर्वोत्तम सम्मान माना जा रहा है, राष्ट्र की असाधारण सेवा करने के लिए इसको दिया गया है ये पुरस्कार। नाम याद रखिएगा INS यानी इंडियन नेवी शिप, और नाम क्या है, द्रोणाचार्य। पुरस्कार किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी के द्वारा। एक वैश्विक अभियान सी चेंज क्लाइमेट की भारतीय राजदूत के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा क्रीमियाई महिला है, नाम है श्रेया घुड़ावत। वृक्षारोपण के माध्यम से ये जागरूकता पैदा कर रही है, महिलाओं की भागीदारी व भूमिका के लिए जागरूकता अभियान के रूप में इसको देखा जा रहा है, ठीक है। हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया है, तो दिल्ली एयरपोर्ट को याद रखिएगा, ठीक है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में यदि देखें तो चांगी एयरपोर्ट ये सिंगापुर में है, इसी को चुना गया है, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जारी की गई थी सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट के रूप में, इसमें दिल्ली एयरपोर्ट को 9वां स्थान दिया गया था, और दुनिया में सबसे शीर्ष स्थान जो जैक्सन, अटलांटा का जो जैक्सन एयरपोर्ट है, ठीक है, उसको चुना गया था, यह अमेरिका का एयरपोर्ट माना जा रहा है, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी TCS के नए MD CEO कौन बने, तो के कृतिवासन बने हैं। बात करें TCS की तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, स्थापना 1968 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन बना है, तो याद रखिएगा बिहार, 61.80 जो बोलने की भाषा है उस पर ध्यान दीजिए कैसा लग रहा है, 61.80% की दर के साथ भारत सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है, हालांकि दूसरे स्थान पर नीचे से उत्तर प्रदेश है। वहीं शीर्ष राज्य की बात करें तो 94% लिटरेसी रेट के साथ केरल इस मामले में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो दिल्ली में, याद रखिएगा एक तरह की खाद्य प्रदर्शनी, मतलब व्यंजनों की एक प्रदर्शनी है, और टेस्ट एटलस रैंकिंग में भारतीय भोजन को 5वां स्थान दिया गया था, शीर्ष स्थान इटली को दिया गया था, तो याद रखिएगा। मेलों की बात हो रही है तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता जो महोत्सव था वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया था, और गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था, ये कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा मेघालय को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR के द्वारा यह घोषणा की गई थी। मेघालय की राजधानी शिलांग है, जो भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी है, ठीक है ना, और याद रखिएगा इसी मेघालय में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का मेजबानी किया गया था इसी में, ठीक है, जिसमें मणिपुर चैंपियन रहा था। अगला, हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एरिक गारसेटी, ठीक है ना। वहीं अमेरिका में भारतीय राजदूत की बात करें तो तरणजीत संधू इसमें अमेरिकी राजदूत के रूप में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अमेरिका में भारतीय राजदूत की तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है।
याद रखिए किस राज्य ने 3 नए संभाग व 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में कुल 31 और प्लस 19 नए, इस तरह कुल मिला के 50 जिले हो गए हैं। ठीक है, और ये सभी जिले जोधपुर और जयपुर से अलग करके बनाए जा रहे हैं। प्रशासन की दृष्टि से 72 क्रियान्वयन के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना था। ठीक है, मलेरकोटला पंजाब का नया जिला, ठीक है तो याद रखिएगा। तमिलनाडु का नया जिला मयिलादुथुरई बना था, और कर्नाटक का नया जिला बेल्लारी से अलग होकर विजयनगर को बनाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो याद रखिएगा रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्हीं के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। कारण क्या है कि यूक्रेन युद्ध हिंसा में जो यूक्रेनी बच्चे हैं उनके निर्वासन व अपहरण व अनाथ होने का जो जिम्मेदारी है वो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ये रूस के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही माना जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो याद रखिए इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये भले वारंट जारी कर दिया गया लेकिन ICC के द्वारा इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो सदस्य है वो उसमें सम्मिलित नहीं है। ICC की स्थापना 2002 में हुई थी, द हेग नीदरलैंड्स में इसका मुख्यालय स्थित है और 123 इसमें वर्तमान में सदस्य देश है। ठीक है, हाल ही में संपन्न WPL 2023 की चैंपियन टीम कौन बनी है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, 7 विकेटों से दिल्ली कैपिटल्स को हराते हुए मुंबई इंडियंस इसमें चैंपियन टीम बनी थी। ठीक है, हाल ही में केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया, M.T. वासुदेवन नायर को। साहित्य कला विज्ञान खेल समाज सेवा आदि में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे किस मंत्रालय की ओर से हरियाणा से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, याद रखिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत किया गया है। उद्देश्य क्या है कि थार रेगिस्तान का जो प्रसार प्रतिवर्ष हो रहा है पौधारोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक इसको रोकना जरूरी है। ठीक है, यह योजना का विस्तृतीकरण 4 राज्यों में होगा, गुजरात राजस्थान दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो गुजरात से शुरू होकर और दिल्ली की रायसीना हिल्स पहाड़ियों तक जाती है, बीच में इन 4 राज्यों के संपर्क होते हैं, इसलिए ये योजना 4 राज्यों में शुरू की गई है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा जारी विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत आबादी के पास पीने योग्य साफ पानी उपलब्ध नहीं है, तो 26%। ध्यान दीजिए ये आंकड़ा 2050 तक 50% होने के कगार पर पहुंच गया है, और इसमें खास बात यह है कि भारत में सर्वाधिक जल संकट देखने के लिए 2050 तक मिल सकता है, तो याद रखें। ठीक है, हाल ही में NGT ने वेम्बनाड झील प्रदूषण सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, तो याद रखिएगा 10 करोड़ रुपये का जुर्माना। वेम्बनाड झील ये एक लैगून झील है, वीकली करंट अफेयर्स में लैगून झील किसे कहते हैं इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी, और याद रखिएगा 2022 में इस वेम्बनाड झील को रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश कंपनी वन वेव के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ इसरो ने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा 36 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया था। जो रॉकेट प्रयोग किया गया था उसका नाम था LVM3, और लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। हाल ही में UN द्वारा जारी विश्व जल रिपोर्ट, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या। अगला क्वेश्चन, जो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो चीते छोड़े गए थे उसमें एक मादा चीते की मौत हो गई थी, उसका नाम क्या था, तो नाम याद रखिएगा सासा। किडनी की बीमारी के कारण इसका जो डेथ है वो हो गया था, और 8 चीतों में से ये एक थी। आप जानते हैं कि नामीबिया से पिछले साल 8 चीते लाए गए थे और इस साल साउथ अफ्रीका से 12 चीते, और इन सभी को PM मोदी के द्वारा कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रिलीज किया गया था। ठीक है, तो इसी में से ये सासा जो थी वो इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। खुदाई के दौरान पाइपलाइन केबल इत्यादि की जो हानि है या उसकी सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी इसमें पार्टीज हैं सम्मिलित हैं जो भी सम्मिलित लोग हैं उनको एक सिंगल विंडो पर इंफॉर्मेशन मिल सके और ये जो घाटा हो रहा है हानि हो रही है इससे बचा जा सके। उद्घाटन किन के द्वारा किया गया था, PM मोदी के द्वारा। नाम क्या था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉल बिफोर यू डिग। ठीक है, आगे पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी देखने के लिए मिला है, याद रखिएगा शुक्र ग्रह पर। 2020 में इसके संकेत मिले थे, अब इसकी पुख्ता सबूत की पुष्टि कर दी गई है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है, इसकी जो दिशा है वो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टी है। ठीक है, पृथ्वी की बहन साँझ का तारा भोर के तारा के नाम से इसको जाना जाता है। ऑपरेशन वीनस चर्चे में था, आप जानते हैं ये, देखिए कब तक छोड़ा जाता है ये, लेकिन शुक्र के लिए समर्पित ये इसरो का एक प्रसिद्ध मिशन है। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नाम याद रखिएगा, 126वां शीर्ष देश हर बार की तरह फिनलैंड इसको चुना गया है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंकिंग्स में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जिसमें नेपाल को 78वां स्थान, बांग्लादेश को 102वां, पाकिस्तान को 108वां और सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान को दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नाटो सदस्य देश के द्वारा पहली बार यूक्रेन को लड़ाकू विमान MiG-29 दिया गया है? तो याद रखिएगा, पोलैंड के द्वारा। ठीक है ना, नाटो के बारे में जान लेते हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कुल सदस्य देश 32 हैं, कुल देश 30 हैं और 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड को जल्दी सदस्यता दिए जाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, WHO द्वारा भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, किस शहर को? तो बेंगलुरु कर्नाटक को। ठीक है, शहर में तंबाकू नियंत्रण के लिए सफल प्रयास जो किया है बेंगलुरु के द्वारा किया गया है, इसी के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अब याद रखिएगा, वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला, खबरों में रही प्रधानमंत्री मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कपड़ा उद्योग से है। वर्तमान में कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल है और इसी पीएम मित्र, इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पैरल। ठीक है, देश के चुनिंदा शहरों में इसका शुरुआत किया जाएगा। फिलहाल 7 राज्यों के 7 शहरों में इसका शुरुआत किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है कि उद्योग में ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन को विस्तार दिया जाएगा, मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को किस तरह से चरम पर पहुंचाया जाए, ऐसे जुड़े सभी प्रयास इस योजना के तहत किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में ISSF द्वारा निशानेबाजी विश्व कप 2023 की शुरुआत कहाँ की गई है? याद रखिएगा, भोपाल में इसकी शुरुआत की गई थी। ISSF की बात करें तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्थापना 1907 में हुई थी। म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है और लुसियानो रॉसी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो इवेंट आयोजित की गई थी इसमें चीन पहले स्थान पर आया था, पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक हॉकी स्टेडियम का नामकरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया गया है? नाम याद रखिएगा, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी है, नाम इनका रानी रामपाल, हरियाणा से आती हैं और इन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। नीरज चोपड़ा के नाम पर एक सेना खेल विश्वविद्यालय का नाम पुणे में स्थापित किया गया है। नीरज चोपड़ा को खुद ही उपनाम गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। चर्चे में रही दयालु योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा। कारण क्या है कि अंत्योदय परिवारों की मृत्यु और विकलांगता पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। नाम याद है, नाम याद रखिएगा, दयालु योजना, और हरियाणा सरकार के द्वारा OBOP योजना की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप 2023 का जो मेजबान था वो कौन सा शहर था? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मतलब आयोजन किया गया था। सैफ की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय स्थित है और कुल 6 सदस्य देश इसके वर्तमान में हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो याद रखें। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम तथा गजक मिठाई को GI टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को। GI टैग क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स इस सीरीज में इस पूरे मंथ के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ साथ इस रिवीजन को जरूर करें, लेकिन वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप जरूर जुड़ें। और किसी अपरिहार्य कारणों से जो है ये वीडियो हम लोगों की लेट हो गई थी, मैं अब कोशिश करूंगा कि जो भी वीडियो आए अपने टाइम से आए, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। बाकी यदि वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो अपना आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सपोर्ट हमें जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।